खरीद देते हैं इस केस में इन कंपेरिजन विद दो जहां पे सेल्समैन है ही नहीं तो वहां पे कंज्यूमर अपने दिमाग के हिसाब से प्रोडक्ट को जितना समझ पाएगा बस उतना खरीदेगा तो इंडिया में बच्चों सेल्समैनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज है एजुकेटेड कम्युनिटी इज वेरी 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 लेस इन नंबर उनको चीजें देखकर कोई सामने वाला समझाए तो समझ में आता है वो अपने आप से उतने अकल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं आप घर में ने घंटी बजा दी तीन बजे और वो एक हार्पिक की बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री मिल रही है वॉट इज दैट जो लोग आपके घर में आ रहे हैं जो सेल्समैन है दे आर ऑल्सो डूइंग पर्सनल सेलिंग अपोलो मेडिसिन शॉप पे आप चले जाइए हंड्रेड रुपीज में तीन सौ मिल जाएंगे हंड्रेड रुपीज में तीन डिटर्जेंट लिक्विड क्लीनर मिल जाएगा और वो उसको प्रमोट करते हैं क्योंकि सारा का सारा डंप स्टॉक होता है उनका ज्यादा तभी आप खरीदेंगे जब सेल्समैन काफी प्रमोशन करेगा इसका समझे बात को लिखिए सबने भाई सो so, दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है पर्सनल सेलिंग में पर्सनलाइजेशन होना जरूरी है फेस टू फेस कम्युनिकेशन बच्चे कहेंगे सर जैसे आप हमको पढ़ा रहे हैं हाँ ये फेस टू फेस तो है बट जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उनके लिए फेस टू फेस नहीं होगा और रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब में अगर फ्री है तो इसको पब्लिसिटी बोलूंगा मैं मैं और और अगर मैं इसको अनलिस्ट कर दूं और पे कोर्स बना के लोगों को देन इट इज नॉट कॉल्ड एज पब्लिसिटी तब ये क्या हो जाएगा एडवर्टीजमेंट ही हो जाएगा लाइक like, दो स्लाइड पढ़ाऊं और बोलू आगे की स्लाइड के लिए बटन क्लिक करिए और कोर्स डाउनलोड कर लीजिए फिर नाइनटी नाइन रुपीज में कोर्स डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा इज दैट अंडरस्टूड डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन Personal relations काफी काफी मजबूत हो जाते हैं मैं समय पहले पहले एक एक पे पे गया और उस पे जब मैंने किया तो ने सबसे डिब्बे में से थोड़ी सी इलायची निकाली थोड़ी सी गरी निकाली थोड़ी सी निकाली और वो ऑफर की माउथ फ्रेशनर इंडियन माउथ फ्रेशनर क्यों कि अब किसी भी तरीके से भाग ना पाए समझ में गया अब कोई बहुत ही बदतमीज टाइप का होगा तो वहां सामान नहीं खरीदेगा नहीं तो नाइन्टी परसेंट काम उन्होंने कर दिया है क्या आप उन्हीं की दुकान से आप सामान खरीदेंगे समझ में आ गया तो ये इंडियन स्टाइल ऑफ पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप है समझ गए हाउ पर्सनल चलिए लिख लें लोग क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्वालिटीज है चिल्ड्रन मेंटली हेल्दी होना चाहिए बीमार होगा तो सामने वाले को ना समझा पाएगा ना समझ पाएगा ही शुड अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर कस्टमर टू कस्टमर द अप्रोच शुड बी डिफरेंट ऐसा नहीं कि हर इंसान को एक ही तरह से प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दिया प्रोडक्ट के बारे में जैसे बोलते हैं भाई टीचर वही अच्छा है जिसको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो अगर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है क्या वो टीचर ठीक टीचर होगा तो वैसे ही सेल्समैन शुड है प्रोडक्ट एंड इस तरीके से वो बात करे कि लोगों का विश्वास जीत पाए ऐसा ना हो कि बस सामान चिपका रहा है सनैलिटी शुड बी नोटेबल हाँ भाई बड़ा बढ़िया सेल्समैन था गंगा इंसान को कंगी बेच के चला गया इज सर एक गंजा इंसान को कंगी क्यों बेच पाएगा ये? कहेगा कंगी जितना फेरेंगे के उतने फ्रेश होंगे और आपका दिमाग तेज हो जाएगा और इस तरह से उसने कंगी बेच दी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी बेस्ट तो मतलब अंग्रेजी हिंदी दोनों में निपुणता चाहिए सो मेंटली हेल्दी जब वो होगा ही एबल टू टेक इनिशिएटिव कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी हाई मेमोरी वुड बी वेरी 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 शार्प एंडल बी सुपर अलर्ट सो इज एबल टू अंडरस्टैंड नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर क्या सामने वाला कस्टमर चाह रहा है तो so अगर आप कस्टमर की नीड समझ जाएंगे तो आप कस्टमर को इजिली सामान बेच पाएंगे अब कस्टमर खरीदने आया गोभी और आप उसको कह रहे हैं आलू ले लो वो कहेगा हाँ आलू तो मैं ले लूंगा गोभी भी तो मेरे को चाहिए आप लगे उसको झूठ बोल के समझाने बरसात का मौसम है गोभी में कीड़ा लग गया है गोभी बिल्कुल मत खरीदे नुकसानदाय है और पता लगा पीछे से ट्रॉली में आपकी दुकान पे जो गोभी बिकनी तो चली आई अब आप फंस गए बेचेंगी ना बेचे तो आपको बेवकूफ नहीं बनाना है अपने कस्टमर को सुनाई पड़ गई बात पक्का तो यू शुड बी वेरी 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 शार्प एंड अलर्ट तभी आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं अभी कल मेरे पास एक कॉल आया सर मैं सो एंड सो बैंक से बोल रही हूँ तो आपका यहाँ पे अकाउंट है मैंने यहाँ अकाउंट है सर वो आपके अकाउंट पे ऑफर है इलेवन पॉइंट एट एट परसेंट के लोन का तो सर आपको ढाई लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा तो मैंने कहा अच्छा सर आपको लोन चाहिए मैंने कहा चाहिए बट थोड़ा ज्यादा चाहिए कितना मैंने कहा सौ करोड़ रुपए का इधर इतना लोन मैंने कहा स्टार्टअप फंडिंग करनी है सौ करोड़ का लोन चाहिए तो उन्होंने कहा कि सर सैलरी लेवल इतना है सौ करोड़ का लोन कैसे मिल पाएगा मैंने जब सैलरी लेवल इतना तो मैं ढाई लाख रुपये लोन ले करूँ क्या इतना तो सैलरी के बराबर हो जाएगा ए हाँ सर ओके फोन काट दिया उसने समझ समझना गया तो जिसकी सैलरी हिंदुस्तान में एक लाख रुपए होती है उसको दो लाख का बैंक लोन ऑफर करता है अरे जिसकी सैलरी है एक लाख है क्या दो लाख का लोन लेके कुछ करेगा कोई काम ही नहीं है उसको तो सौ करोड़ का लोन देने की उनकी औकात नहीं थी बाकी लोन जितना दे रहे थे वो मेरी चाहत नहीं थी तो दे वर नॉट अलर्ट बेसिकली समझ गए बेसिकलीस टू कन्विंस मेनी टाइम्स बहस कर लेते हैं हैं सेल्समैन कस्टमर से और समझाते कि नहीं हमारा ही प्रोडक्ट अच्छा है दूसरे का खराब है आप अपने को अच्छा बोलिए हमेशा बट दूसरे की बुराई करने की जरूरत नहीं है इससे आप कर क्या रहे हैं आपका तो अपना प्रोडक्ट गारंटी हो बिकेगा ही नहीं आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के दिमाग में एक अप्रोच डेवलप कर रहे हैं इतना बुरा बुरा बोल के इतना नेगेटिव आपने बोल दिया उसको माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वो सोचता है एक बार अब ये दूसरा प्रोडक्ट खरीद के देख ही लेते हैं कि कितना बेकार है तो ऑलवेज अप्रेज योर प्रोडक्ट बट नेवर डिफेम द कंपोनेंट्स सॉरी कॉम्पिटेटर्स प्रोडक्ट समझ में आगे बात भाई समझ में आ गई बात पक्का चलिए

ज्यादा होगा सस्ता कपड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स महंगी क्वालिटी तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे डेली में अगर स्टोर ओपन हो गया बॉम्बे में स्टोर ओपन हो गया तो यहाँ पे कपड़े का डिजाइन और फैशन कुछ डिफरेंट होगा गोवा में स्टोर ओपन हो गया तो वहां पे फ्लोरल शर्ट्स का फैशन ज्यादा है लोग बीच साइड पे, पे पहनते हैं बट क्या नॉर्मल फूल पत्ती वाली शर्ट को इंसान पहनेगा बिल्कुल नहीं ऐसे लगे गोवा चला रहा है कोई इंसान तो एरिया टू एरिया कल्चर एंड लैंग्वेज एंड नीड के अकॉर्डिंगली The salesman also have to be accordingly trained as such. आपके सामने कोई कस्टमर है जिसको ठीक से बोलना भी नहीं आता है और आप लगे जर्मन भाषा में उसको एक्सप्लेन करना लगे धनाधन दन अंग्रेजी में बोलना क्या वो कुछ समझ पाएगा वो शर्मा के हेजिटेट होके स्टोर से बाहर चला जाएगा बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं आई ओके okay. प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज

मैंने कहा ये जो बगल में ओडियम लगा हुआ है उसमें तो पंद्रह इंच लिखा है कह रही नहीं सर चौदह इंच होता है मैंने कहा टायर पे देखिए आर फिफ्टीन लिखा है इसका मतलब जो है अड़ गई मान ही मानी नहीं रही थी मेरी बात मैंने कहा मैडम फिर ये टायर पे क्यों लिखा आर फिफ्टीन सर वो ऐसे ही लिख दिया है फिर मैंने उस पर्सन को कॉन्टेक्ट किया जिसने मेरे को सेल क्लोज की थी कह रहे सर ये अभी नई आई है ना अभी हफ्ता भर इनकी ज्वाइनिंग हुई है मैंने कहा सिखाइए थोड़ा इनको इनको आता कुछ नहीं बैल बुद्धि टाइप की है ये कस्टमर लेट उगेंगी तो गाड़ी में टॉप मॉडल में चारों टायर पंद्रह इंच के थे जो स्पेयर टायर होता है पंचर वगैरह होने में दैट वाज इंचेस नॉन अलॉय तो नीचे के मॉडल में चौदह इंच का टायर था टॉप मॉडल इंच का था अब उस बैल बुद्धि कोई बात पता ही नहीं थी उसको बताना चाहिए ना कि सर ये टॉप मॉडल में टायर पंद्रह इंच का होगा स्टेपनी जो होगी वो चौदह इंच की होगी फिर वो फुल्ली ऑटोमेटिक कार थी तो उसने कहा सर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है मैंने कहा का, अभी कार की डिलीवरी आने वाली है तो उसको लगा पगलिया को कि सर मैनुअल गाड़ी खरीद रहे हैं चलो अब इनको थोड़ा कन्विंस करते हैं ऑटोमेटिक खरीद लें व्हाट अरे मैं पैसा दे चुका हूं सब कुछ कंप्लीट हो चुका है सिर्फ डेढ़ दो घंटे में यार्ड से गाड़ी रेडी होके आ रही थी धूल पुछ के तो अब तो मैं नहीं खरीद सकता ना दूसरी चाह के भी ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है तब भी पगलिया क्या बोले जा रही थी सर वो ऑटोमेटिक गाड़ी ले लीजिए मैंने कहा मैडम ये बताइए ऑटोमेटिक गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई तो क्या धक्का लगा के स्टार्ट हो जाएगी अब लगी सर खुजलाने कह रहे सर ऐसा सवाल तो किसी ने आज तक पूछा ही नहीं क्योंकि नॉर्मली कार में क्या हो, तो होता हो है और धक्का लगाइए नहीं होती है लो ब्रेक लगाओ चलाओ ये सर ये पता नहीं सर मैं पूछ के बताती हूँ फिर मैं इलाहाबाद आ गया आज तक वो पूछ के बता ही रही है पिछले पांच साल से ऐसे ऐसे बैलों को भर्ती किया गया है समझ में आ गया मैकडोनल्ड एक बार गए एक एम्प्लॉय ऑर्डर ले रहा था तो अपने बगल वाले को बोल के गया आई एम गोइंग टू वॉशरूम में पंद्रह मिनट में पीछे खड़ा था दो तीन सुन रहा था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने था वो दूसरा वाला आदमी का है क्या स्टोर में गया, वॉशरूम गया। में क्या तुम्हारे समझ में आ गया तो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी गई है झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात भाई कि भाई जी, जी समझ गए वान्या जी कुशल जी समझ गए यस सर तो yes, ये जो मेरा एग्जाम्पल था जो सेल्समैन ने बोला तो क्या मैं कोई भी ट्रस्ट या विश्वास डेवलप कर पाऊंगा उसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट तो अगर आप कर्टियस हैं कोऑपरेट कर रहे हैं कस्टमर को बाय करने में इरिटेट नहीं हो जाते ये सेल्समैनशिप अगर सीखनी है साड़ी की दुकान पे जाइए किस दुकान पे साड़ी की दुकान पे क्या फायदा होता है साड़ी की दुकान पे वो लोग जरा भी इरिटेट होते ही नहीं है बच्चों बिल्कुल इरिटेट नहीं होते कोई भी उनको कितना भी बोल ले दे नेवर गेट इरिटेटेड और अनोयड क्योंकि अगर अनोयड हो गए तो कस्टमर भाग जाएगा समझ में आ गया भाई तो ट्रस्ट स्टैब्लिश करना इज वेरी, वेरी 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 नेसेसरी लॉजिक अंडरस्टूड वेल कॉपी कर लीजिए नोटेबल पर्सनैलिटी अगर सेल्समैन की पर्सनालिटी बढ़िया है प्लीजिंग है वेल well ड्रेस्ड है ना दो क्या है डीओ की जरूरत नहीं है बदबू नहीं मार रहा है हेल्थ भी उसकी ठीक है इस तरह से अगर मरगिल्ला टाइप का है विल यू बी एबल टू और विल ही बी एबल टू सेल यू द कमोडिटी नॉट एट ऑल तो भाई चेहरा ठीक मतलब शाहरुख खान को सेल्समैन नहीं रख लेंगे बट अगेन इस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताए डिस्ट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए सामान खरीदने चले आप बोला अरे मत खरीदिए बेकार है मोहल्ले की चार लेडी से बात कर ली Alexa को जरूरत नहीं है तो ये सेल्समैन है किस लिए अपने मालिक का बिजनेस सेल करवा देगा ये ये प्रोडक्ट नहीं सेल करवा रहा ये पूरी बिजनेस सेल करवा देगा ओके समझ गए व्हाट इज पर्सनल सेल्समनचर चलिए तो आज की सेवांची के साथ होती है सम